नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है सच कहूं तो, मेरी आत्मकथा नीना गुप्ता की। यह आत्मकथा है। नीना गुप्ता बेहतरीन अभिनेत्री हैं, उससे बढ़कर एक खूबसूरत सहृदय महिला हैं जिनका जीवन अपने आप में स्त्री संघर्ष, स्वाभिमान और अभिनय की मिसाल है। दो बार उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। फिल्म मेकर हैं, निर्माता हैं, टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं। 80 के दशक में उन्होंने थिएटर जगत से यानी भारतीय रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की। 1982 में अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी में उन्होंने अभिनय किया था और उसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न जगत में काम करने का फैसला किया। खानदान, मिर्जा गालिब जैसे शो से उनको देश और दुनिया भर में शोहरत मिली। मंडी, त्रिकाल, जाने भी दो यारों और कला की जो स्वतंत्र फिल्में हैं उनमें भी उन्होंने काम किया। सांस, सिसकी और सोनपरी के अलावा कई टेलीविज़न शो का निर्देशन भी उन्होंने किया। और जो हालिया पिक्चर आई है यानी हाल के साल में भी, यहाँ तक कि 2022 तक भी वह लगातार काम कर रही हैं, संघर्षशील हैं और अभिनय जगत में अपनी मिसाल छोड़े हुए हैं, जिनमें शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, पंचायत, द लास्ट कलर, मसाबा मसाबा, इन सारी फिल्मों में या सीरियल्स में उनके काम को सराहा गया है। बधाई हो भी एक फिल्म है जो बहुत चर्चित रही। इस पुस्तक में, मेरी आत्मकथा में, नीना गुप्ता अपने मध्यवर्गीय परिवार, अपनी माता, अपने जीवन में आए हुए लोगों और अपने जीवन की हर उस घटना को याद करती हैं और वो बताती हैं कि कैसे जीवन बदलता है और कैसे किसी भी व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में तमाम लोग मिलते हैं, लेकिन उन रिश्तों में कौन से रिश्ते अपने हैं, कौन से रिश्ते पराए हैं, कैसे इनकी छवि स्कूल में जाने के समय एक सीधी साधी बच्ची की थी, कैसे इनकी हरकतों से इनकी माताजी को यह शिकायत मिलती थी कि लड़की बिगड़ गई, कैसे इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और अभिनय क्षेत्र को चुना जबकि इनके परिवार में उस तरह की परंपरा नहीं थी। खास बात यह है कि इनके हर फैसले में इनकी माताजी और परिवार ने किस तरह से मदद की। दिल्ली की जो लड़की, दिल्ली में वह पैदा हुई, पली बढ़ी और ख़ास बात यह है कि इस किताब को लिखने के लिए भी उनके अपने लोगों ने ही प्रेरणा किया। उनके दोस्त पूछते थे, मीडिया वाले पूछते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में कब लिखोगी, क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपने आप में उस तरह के घटनाओं से भरी पड़ी थी जिनको जिनमें लोगों की रुचि हो। बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि नीना गुप्ता ने भारत की उन गिनी चुनी महिलाओं में हैं जिन्होंने सिंगल पेरेंटिंग को बढ़ावा दिया, बिना शादी किए बच्ची पैदा की, अपने प्रेम को कभी नहीं छुपाया। यह बात भी उन्होंने बहुत खुले दिल से इस पुस्तक में लिखी है। दिल्ली की जो लड़की शर्मिली और फिर अपने घर में बहुत प्यार से पली बढ़ी थी और जो भगवान को मानती थी और जो पारिवारिक सीक्रेट में विश्वास रखती थी, उसने मुंबई जब वह गई तो एक बेघर हुई लल्लू लड़की समझी गई आखिर घर में गई, और किस तरह से फिर उसे खानदान और दूसरे सीरियल में काम मिला। कास्टिंग काउच के बारे में भी नीना गुप्ता ने बहुत खुले रूप में लिखा है। संगीत का उनके जीवन में क्या महत्व रहा और कैसे वो विवियन रिचर्ड्स से मिली, जो सिंगल पेरेंटिंग की मैं बात कर रहा था, ये सभी को पता है कि मसाबा नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी है, जो बिना शादी के ही नीना गुप्ता ने अपनी इच्छा से भारत में तमाम दबावों को झेलते हुए, सोशल मीडिया उस ज़माने में नहीं था लेकिन अखबारों में बड़ी चर्चा थी, पत्र पत्रिकाओं में चर्चा थी, और पारिवारिक और सामाजिक
विरोध को उन्होंने अपने जीवन में उतरने नहीं दिया। बेटी को वह कहती हैं कि सोलमेट है, जो अध्याय हैं मैं उन अध्याय के माध्यम से ही बात बता रहा हूँ। लाडली आ गई, उन्होंने कहा है कि लोनली बट नॉट एलोन, लोनली बट नॉट एलोन में वह बताती हैं। फिर गाने की चर्चा है, चोली के पीछे क्या है, बाजार सीताराम क्या है, इनाम पर काम नहीं है, मैड टाइम्स है, किस तरह से उनका समय ऐसा भी आया जब आप जा सकते हैं नमस्ते, यदि मैं समय को बदल सकती, यह बात भी उन्होंने कहा है। ब्लडी मेरी, मैं एक अच्छी एक्टर हूँ और अच्छे रोल की तलाश में हूँ, और इसके बाद बधाई हो किस तरह से उनके जीवन में आता है और उससे उनके जीवन में क्या कुछ बदल जाता है। चार गुप्ता और एक मेहरा, इस अध्याय में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों की बात की है, जिसमें शकुंतला गुप्ता, रूपनारायण गुप्ता, पंकज गुप्ता, मसाबा गुप्ता और विवेक मेहरा का उल्लेख है। बेहद अच्छे ढंग से कहानी और किस्सागोई की शक्ल में अपने जीवन को उकेरा है नीना गुप्ता ने। खास बात यह भी है कि इसमें उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है, आत्मकथाएँ जितनी बेबाक होनी चाहिए उतनी बेबाक की से उन्होंने लिखा है, लेकिन लिखने में उनकी एक सीमा रही है। जिस तरह से वह भारतीय नारी के स्वरूप में पर्दे पर दिखती रही हैं, उसी तरह से उन्होंने इसको लिखा भी है। खानदान से चूँकि उनका सफ़र शुरू हुआ था, तो उन्होंने उस तरह से का भी जिक्र किया है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे अनूठे चित्र भी हैं, जिनमें उनके पारिवारिक चित्र हैं, और नीना गुप्ता ने अपने जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण रहे हैं, जिस तरह से अवार्ड जीता है, उन सबको भी इन्होंने शामिल किया है। इस पुस्तक को पेंगुइन इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए। मूल्य है 399 रुपये और पृष्ठ संख्या है 296। उम्मीद है साहित्य तक का पुस्तकों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।